हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुन्नीदास। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल वन में जो रोबो ऑर्डर है उसमें एक ऑप्शन को एंजल वन ने अपडेट किया है। अगर आप एक हफ्ते पहले एंजल वन में रोबो ऑर्डर का यूज़ करते थे तो उसमें आप जिस प्रोसेस के जरिए करते थे अभी आपको थोड़े अलग प्रोसेस दिखने मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एंजल वन ने रोबो ऑर्डर का कौन सा ऑप्शन को अपडेट किया है और रोबो ऑर्डर का यूज़ आप कैसे कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो फिलहाल अभी हम हैं एंजल वन के होम पेज में, उसके बाद हमको वॉचलिस्ट में चले जाना है एंड कोई पर्टिकुलर स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल आज हम डेमो पर्पस ICICI बैंक के शेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको बाय एंड सेल करना है, ये आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको बाय करना है तो आप बाय ऑप्शन पर क्लिक करना, अगर आपको सेल करना है तो आप सेल ऑप्शन पर क्लिक करना। तो फिलहाल अभी हम बाय करेंगे इसलिए बाय ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। एंड इधर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो रोबो ऑर्डर है ओनली फॉर आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद आपके सामने ये नंबर ऑफ शेयर्स का ऑप्शन आ जाता है कि आप कितना शेयर्स लेना चाहते हो, ये नंबर इधर आप एंटर करोगे, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है। उसके बाद आपके सामने ये लिमिट प्राइस का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आप चाहो तो इस शेयर को आप लिमिट प्राइस में भी इसको बाय कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 960 पे ये प्राइस आए तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाए तो इधर आप लिमिट प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इधर आप देख सकते हो जो ICICI बैंक का शेयर प्राइस, जो मार्केट प्राइस चल रहा है, ये है 961.50 रुपीज़। तो इधर आप चाहो तो मार्केट प्राइस में भी आप इधर बाय कर सकते हो। जो अभी फ़िलहाल मार्केट प्राइस चल रहा है इसी प्राइस में अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप इस मार्केट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। एंड इधर आप देख सकते हो नीचे जो स्मार्ट ऑर्डर बोल के ऑप्शन है, इस स्मार्ट ऑर्डर के पास एक एरो साइन देखने के लिए मिल रहा है, आपको सिंपली इस एरो साइन के ऊपर क्लिक करना है। तो फिलहाल अभी हम इसको फिल कर लेते हैं। तो इधर आप नंबर ऑफ शेयर्स डालेंगे 1 एंड लिमिट प्राइस को थोड़े हम इसको मॉडिफाई करते हैं, तो लिमिट प्राइस रखेंगे हम 960। तो जब भी इस ICICI बैंक का शेयर प्राइस 960 को टच करेगा तभी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। उसके बाद हम इस एरो साइन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आ गया, एक तो है स्टॉप लॉस ऑर्डर, कवर ऑर्डर एंड रोबो ऑर्डर। तो आप जो ये नियरेस्ट में जो देख रहे हो साइन, आपको इसको क्या करना है, इनेबल करना है, क्योंकि आपको रोबो ऑर्डर का यूज़ करना है। और ये जो रोबो ऑर्डर है, रोबो ऑर्डर का एक बेनिफिट है कि रोबो ऑर्डर के साथ आप स्टॉप लॉस, लिमिट प्राइस एंड टारगेट प्राइस एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब तीन ऑर्डर आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस रोबो ऑर्डर को इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के रोबो ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम इसको नेक्स्ट करते जाएंगे। आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो है स्टॉप लॉस प्राइस, एक तो है टारगेट प्राइस। तो चेंजेस इसी में किया है। तो अगर आप एक हफ्ते पहले तक कोई वीडियो देखते थे या फिर एक हफ्ते पहले तक रोबो ऑर्डर का आप यूज़ करते थे तो इधर आपको पॉइंट्स एंटर करना पड़ता था एंड टारगेट प्राइस में भी आपको पॉइंट्स एंटर करना पड़ता है। तो ये जो फीचर्स है, ये एंजल वन या फिर कोई भी ऐप है कभी कभी चेंज करता ही रहता है, तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी आपको इस स्टॉप लॉस प्राइस में आपको प्राइस एंटर करना है, टारगेट प्राइस में भी आपको प्राइस एंटर करना है, मतलब कितने प्राइस में आप स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, कितने प्राइस में आप टारगेट प्राइस रखना चाहते हो, उसको आपको इधर एंटर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 960 रुपीज़ में इस शेयर को बाय कर लेते हैं, अगर हमारा 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहा होगा तो हम इधर 955 को एंटर करेंगे, मतलब इधर प्राइस को एंटर करेंगे। तो इसलिए अभी हम एंटर करते हैं 955 एंड टारगेट प्राइस जो हम इधर बाय कर रहे हैं 960 रुपीज़ में, टारगेट प्राइस मतलब 10 रुपीज़ का अभी हम टारगेट रखेंगे, इसलिए अभी हम इधर एंटर करेंगे 970 रुपीज़। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस प्राइस में आपको प्राइस एंटर करना है, नॉट अ पॉइंट। ओके, तो अभी से अगर आप रोबो ऑर्डर का यूज़ करते हो एंजल वन में तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो इधर आपको प्राइस एंटर करना है। उसके बाद हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आपके सामने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस का ऑप्शन आ गया। तो पहले भी मैंने ये क्लियर कर दिया तो अभी भी बोलती हूँ, ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस है, अगर आप इस प्लस आइकन में क्लिक करते हैं तो इधर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस, मतलब फिलहाल अभी अपने जो स्टॉप लॉस प्राइस सिलेक्ट किया 955 रुपीज़, राइट। तो अगर इस ICICI बैंक का शेयर प्राइस अगर आप बाय करने के बाद टारगेट की तरफ जाता है प्राइस, तो तभी आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस ट्रेल होगा, मतलब इधर अगर आप
3 एंटर करते हो। जो बाय किया वो बाइंग प्राइस अगर आपके टारगेट की प्राइस की तरफ जा रहा है तो इसी जगह आपका स्टॉप लॉस जो ट्रेल होके क्या होगा 955, तो उसके साथ 3 आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 958। तो ऐसे करके आपका स्टॉप लॉस 3-3 करके ट्रेल होगा जब आपका बाइंग प्राइस टारगेट प्राइस की तरफ जाएगा। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गया, तो ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जंप प्राइस है इसको आप यूज़ भी कर सकते हो या फिर आप ना भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम इसमें 3 रख देते हैं एंड उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है कि आपको कितना मार्जिन लग रहा है। ये आप इधर आप देख सकते हो 192 रुपीज़ का आपको मार्जिन लग रहा है। तो उसके बाद चार्जेस ऑप्शन है, तो चार्जेस पर अगर आप क्लिक करते हो तो इधर आप देख सकते हो जो एंजल वन ब्रोकरेज है ये 2.40 रुपीज़ एंड एक्सटर्नल चार्जेस 0.06 रुपीज़ एंड टैक्सेज जो है 0.44 रुपीज़। तो आपको जो टोटल चार्जेस लिखने वाला है ये है 2.90 रुपीज़। एंड इधर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो टोटल चार्जेस है 2.90 रुपीज़, उसके बाद आप ये बाय करने के टाइम लग रहा है एंड सेल करने के टाइम आपका जो एंजल वन ब्रोकरेज है 2.40 रुपीज़, ये 2.90 रुपीज़ के साथ ऐड होगा जब आप सेल करोगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इस बाय ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो फिलहाल थोड़ा हम चेक कर लेते हैं, तो हम इस लिमिट प्राइस को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं क्योंकि मुझे आपको लाइव दिखाना है, इसलिए हम इधर कर देते हैं 961 रुपीज़ कर देते हैं। उसके बाद हम इस बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद कंफर्म कर देंगे। तो ये ऑर्डर कंफर्म हो गया है। तो इधर आप देख सकते हो ओपन ऑर्डर्स में आपका ये ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि हमने जो लिमिट प्राइस लगाया ये है 961 रुपीज़ और अभी जो ICICI बैंक का शेयर प्राइस चल रहा है ये है 962.30 रुपीज़ चल रहा है। तो जब भी 961 को टच करेगा तभी हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। तो चाहे तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, तो अभी हम इसको मॉडिफाई करते हैं। तो सिंपली इस शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इस एडिट ऑर्डर पे क्लिक करना है। अगर आप चाहो तो इसको कैंसिल ऑर्डर भी कर सकते हो। तो फिलहाल अभी हम इसको एडिट ऑर्डर करते हैं एंड अभी हम इस लिमिट प्राइस को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। लिमिट, तो हम इस लिमिट प्राइस को 962.40 रुपीस में कर देते हैं। उसके बाद हम इसको कंफर्म कर देंगे, तो ये कंफर्म हो गया। तो इधर आप देख सकते हो ऊपर में लिखा हुआ है कि 962.40 रुपीज़ में हमने लिमिट प्राइस डाला है एंड मार्केट प्राइस जो चल रहा है ये है 962.55 रुपीज़। तो जब भी 962.40 रुपीज़ को टच करेगा तभी हमारा जो ये ऑर्डर है, ये बाइंग ऑर्डर है, ये बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। तो थोड़ा हम वेट करते हैं। तो इधर आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो गया एंड जो टारगेट प्राइस है ये है 971.40 रुपीज़ एंड जो हमारा स्टॉप लॉस है ये है 956.40 रुपीज़। तो अभी जो ये मार्केट प्राइस चल रहा है ये है 963.05 रुपीज़। तो इसी में अगर कोई ऑर्डर को हिट कर लेता है तो हमारा दूसरा ऑर्डर जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अगर आपका टारगेट ऑर्डर को हिट कर लेता है तो ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको स्टॉप लॉस को हिट कर लेता है जो ये टारगेट ऑर्डर है ये अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम नियरेस्ट में जो पोजीशन है इस पोजीशन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इधर आप देख सकते हो आपका इधर पोजीशन दिखा रहा है। इस पोजीशन में आके आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हो। तो फिलहाल अभी देख सकते हो फिलहाल अभी हमें 0.90 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये पोजीशन में आके आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकते हो। तो फिर से हम इस ओपन ऑर्डर्स पे चले जाते हैं। उसके बाद कोई भी ऑर्डर को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप टारगेट ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहते हो तो सिंपली इस टारगेट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे एंड नीचे आपका ऑप्शन आ जाएगा एग्जिट एंड एडिट ऑर्डर का। तो सिंपली आपको इस एडिट ऑर्डर पर क्लिक करना है एंड इधर से क्या कर सकते हो, आप अपना टारगेट प्राइस को इधर क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। तो इधर हम क्या करेंगे 971 रुपीज़ कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये जो हमारा टारगेट ऑर्डर है ये टारगेट ऑर्डर चेंज हो गया है। उसके बाद ऐसे करके आप स्टॉप लॉस ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद पोजीशन में आके अगर आप सिंपली कोई ऑर्डर से एग्जिट होना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सिंपली उस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे एंड नीचे जो एग्जिट ऑप्शन आ रहा है
इधर आप एग्ज़िट करोगे तो ये एग्ज़िट हो जाएगा। लेकिन जब भी आप रोबो ऑर्डर का यूज़ करते हो, अगर आप इस एग्ज़िट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये एग्ज़िट नहीं होगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो हम सिंपली इस एग्ज़िट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इधर आप देख सकते हो अभी हम इस पोजीशन से डायरेक्टली एग्ज़िट नहीं हो सकते। तो एग्ज़िट आप कहाँ हो सकते हो, इसलिए आपको ओपन ऑर्डर्स पर चले जाना है। एंड इधर आप देख सकते हो आपके सामने दो ऑप्शन आ गया है, एक तो है ऑर्डर हिस्ट्री और एक तो है कैंसिल ऑल। तो आपको क्या करना है, कैंसिल ऑल करना है। अगर आप कैंसिल ऑल करते हो तो आप सारे ऑर्डर से एग्जीक्यूटेड हो जाओगे। तो इधर आप देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो है ऑर्डर हिस्ट्री, एक तो है कैंसिल ऑल। तो अगर आप कैंसिल ऑल पे क्लिक करते हो तो आप इस ऑर्डर से एग्जिट हो जाओगे। क्योंकि आपको क्या करना है, क्योंकि आप तो कोई ऑर्डर को नहीं रखोगे, क्योंकि आपको क्या करना है, अगर आप पोजिशन से एग्जिट होते हो इसका मतलब आप सारे ऑर्डर से एग्जिट होना चाहते हो। तो इधर अभी आपको कैंसिल ऑल करके हम दिखाते हैं। तो हम सिंपली इस कैंसिल ऑल पर क्लिक करेंगे तो इधर आप देख सकते हो हमको दोबारा इस कैंसिल पर क्लिक करना है। तो इधर आप देख सकते हो हम कैंसिल हो चुका है, तो इसलिए हम इस पोजीशन में जाएंगे। तो इधर आप देख सकते हो कि क्लोज पोजीशन। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि एंजल वन में आपको रोबो ऑर्डर कैसे यूज़ करना है एंड रोबो ऑर्डर को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। एंड रोबो ऑर्डर में जो ये न्यू फीचर्स आया है ये भी आपको क्लियर हो गया, एंड नेक्स्ट टाइम आप रोबो ऑर्डर को सही से यूज़ कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।